bismillahir rahmanir rahim in connection to portfolio risk management we have been discussing that risks can be classified in multiple ways depending on their types depending on their nature so we'll be studying uh, an important classification here that is systematic and non systematic risk this is a fundamental factor point and that has great impact on different calculations and different ratios आगे जाके आप देखेंगे कि इनकी बेसिस पे हम बहुत सी डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे डिफरेंट रिटर्न करेंगे तो इसकी लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क इज़ इनहेरेंट इन ओवरऑल मार्केट एंड कैन नॉट बी एवॉइड कि ये मार्केट से आपका लिंक है मार्केट से आपकी सेंसिटिविटी है और ये हम जब इस इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा सो इट्स नॉट अवॉइडेबल यू हैव टू

इन्वेस्टर्स एंड डेफिनेटली रिवॉर्डेड फॉर दैट on होल एंड operating condition लाइक like interest rates inflation ये जरा ज्यादा मैक्रो लेवल के होते हैं इंटरेस्ट रेट्स का क्या चेंज आएगा अब मार्क इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे फोरकास्टेड से एक्सपेक्टेड से वेरी करेंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट्स को इंपेक्ट करेंगे और यू कैन नॉट इन आइसोलेशन के आप कहें जी इंटरेस्टेड मेरे पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर हैं आप इंश्योरेंस कंपनी हैं आप ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली यू विल बी इम्पैक्टेड किसी पे थोड़ा कम होगा किसी पे ज़्यादा होगा वो गेजिंग होगी बट इम्पैक्ट विल बी देयर देर इज़ नो वे टू अवॉइड सिस्टमेटिक रिस्क बट इट कैन बी मैग्नीफाइड थ्रू यूज ऑफ लिवरेज लिवरेज से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बट अवॉइड कर लें इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है एग्जाम्पल दे देते हैं इफ़ फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉड्स आर ऑफरिंग यील्ड ऑफ फाइव परसेंट इन कंपेरिजन टू स्टॉक मार्केट विच इज ऑफरिंग मिनिमम रिटर्न ऑफ टेन परसेंट मार्केट दस परसेंट रिटर्न ऑफर कर रही है और गवर्नमेंट की जो यील्ड है वो फाइव तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल मार्केट आपको ऑफर कर रही है या जो प्रीमियम आ रहा है वो ज़्यादा है सडनली गवर्नमेंट अनाउंस एन एडिशनल टैक्स बर्डन ऑफ वन परसेंट ऑन स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन के मार्केट्स में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उस पर वन परसेंट कोई फी या एडिशनल चार्ज लग गया दिस विल बी सिस्टमैटिक रिस्क अब ये आप एज एन इन्वेस्टर इसका कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये मार्केट के इम्पैक्ट है जो कि रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं जो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू पे लग रहे हैं सो यू हैव टू बियर दैट तो दिस विल सिस्टमैटिक इम्पैक्ट ऑल स्टॉक हुआ गया वहां पे दस मिल रहा था गवर्नमेंट पांच दे रही थी लेकिन अब वहां जो दस मिल रहा था उस पर एक परसेंट वाइप आउट हो गया तो दैट मीन्स पहले कंपैरिजन पांच और दस का था अब कंपैरिजन पांच और नौ का हो गया तो यानी कि सडनली गवर्नमेंट के जो स्ट्रेरीज हैं जो स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई बिकॉज जो डिफरेंस था जो प्रीमियम मिल रहा था वो रिड्यूस हो गया इन कंट्रास्ट नॉन सिस्टमैटिक रिस्क नॉन सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कॉल्ड विद अदर नेम एज वेल अनसिस्टमेटिक रिस्क इसको आप कहते हैं इसको आप स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं दिज आर ऑल सिमिलर नेम्स फॉर दिस नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर एसिड क्लास और पर्टिकुलर ये किसी एक कंपनी का रिस्क है या किसी पर्टिकुलर एक एसिड क्लास का रिस्क है और अच्छी बात यह है कि ये जो रिस्क है ये आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रूट कर सकते हैं इसको रिड्यूस कर सकते हैं एंड इवन इफ यू डाइवर्सिफाई वेल यू कैन इट जी क्लियरली सेइंग इट अगेन एलिमिनेट कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एसेट क्लास और सिक्योरिटी जैसे एक पर्टिकुलर शेयर का रिस्क है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास का रिस्क है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर एसिड के उस इंडिविजुअल एसिड के उस इंडिविजुअल कंपनी के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ये हमारे उस क्या स्पेसिफिक रिस्क की बात करते हैं जो उसके नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इन्वेस्टर्स आर कैपेबल ऑफ अवॉइडिंग नॉन सिस्टमैटिक रिस्क थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका ये रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा शुरू में रिड्यूस होगा एंड ग्रेजुअली इट कैन बी एलिमिनेटेड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिड्यूस एक्सपोजर्स और रिलायंस ऑन एनी वन अंडरलाइंग सिक्योरिटी और एसेट क्लास यह हमने शुरू के इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि अगर आप सारे पैसे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग टू मच रिस्क अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक को कुछ हो गया या उस कंपनी को कुछ हुआ तो यू विल बी लूजिंग अलॉट लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे डिफरेंट एसिड क्लासेस में डिफरेंट स्क्रिप्ट में तो वो आपको हेल्प आउट करेगी और आपका वो जो एक्सेसिव रिस्क है उसको वो रिड्यूस कर देगी अनसेटमेटिक रिस्क की एग्जाम्पल दे दें इन्वेस्टर इन हेल्थ केयर स्टॉक मे बी अवेयर दैट मेजर शिप हेल्थ केयर स्टॉक मतलब आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि हेल्थ से रिलेटेड थी फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर ले लिया और क्या हुआ क्या कि हेल्थ सेक्टर के लिए एक मेजर शिफ्ट आ गई पॉलिसी अब उस पॉलिसी का उस पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना है तो अगर आपके सारे पैसे उसी में इन्वेस्ट होंगे अगर तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो फिर तो चले अच्छी बात है लेकिन अगेन हमारा जब फाइनेंस की कैलकुलेशन है हम बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी को अच्छा नहीं समझते बेशक वो पॉजिटिव भी अगर आ सकती है तो हम कहेंगे नहीं इट शुड बी रिड्यूस लेकिन अगर आपने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हुए

तो वो सारा उसका मेजर रिस्क वहाँ पे आ गया तो अगर हम इसको देखें कैपेम जो हमारा मॉडल है वो भी सजेस्ट करता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक तो टू टाइप्स ऑफ रिस्क कैन बी समराइज हेयर सिस्टमैटिक अनकंट्रोलेबल बाय एन एनी ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो इन नेचर वाइड अनसिस्टमैटिक विच आर कंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो इन नेचर विच कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे वट आर डिटर्मिनेंट्स सिस्टमैटिक रेस इज जुनेटेड एज बीटा तो बीटा इज अवे विच मई द सिस्टमैटिक रेस इट मीन दैट चेंज इन स्टॉक ड्यू टू चेंज इन मार्केट की यानी कि मार्किट से जो होगी मूवमेंट उसका हमारे पे क्या इंपैक्ट आएगा तो हमारी सेंसिटिविटी क्या है मार्केट के साथ वो ये बीटा गेज करता है यानी कि बीटा आपकी सिस्टमैटिक रिस्क को गेज कर रहा होता है और मोर कॉम्प्रिहेंसिवली इट इज कोवेरियंस ऑफ स्टॉक रिटर्न ऑफ कैपिटल मार्केट मार्केट के साथ हमारा कोवेरियंस क्या है इट इज़ द टाइम सीरीज रिग्रेशन कोफिशेंट इट रिलेट्स टू रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड और पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की या ओवरऑल पोर्टफोलियो की लिंकेज क्या है मार्केट के साथ वो यहां पे प्रॉपरली गेज हो रही होती है सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी रिपीटिंग बात कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं कि इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सिक्योरिटी बाय अप्लाइंग डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन करने से ये खत्म नहीं होंगे ये हमें बियर करने ही पड़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क सेवरेबल वेरिएबल्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स क्या है कंट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल क्या है सिग्नीस विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द बीटा पहले हमने फैक्टर्स पहले ही देख लिए हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन देस आर देयर एंड देन देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच गोइंग टू इम्पैक्ट आर बीटा नैनिंग डॉइंग फर्दर फाइनेंशियल लिवरेज गवर्नमेंट डेफिसिट्स ओवरऑल कंट्री लेवल कैसा चल रहा है जैसे आप देखें कि आजकल मार्केट हमारी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले कुछ टाइम से बिकॉज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो थोड़े डिफर कर रहे थे तो ये हमारे ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क को इम्पैक्ट कर देते हैं जब ऐसे मार्केट इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगे तो सिस्टमेटिक रिस्क को जो उसका इम्पैक्ट है वो डिफरेंट तरीके से होगा फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ड्रॉ अ टेबल हेयर एंड इन दिस वी हैव रिस्क एंड हेयर वी हैव नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हम कितनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमने देखा कि इफ वी वर हेयर जस्ट हैविंग वन सिक्योरिटी तो हमारा रिस्क लेवल यहां पे है जैसे जैसे हम लोगों ने सिक्योरिटीज ऐड करनी शुरू की तो हमारे रिस्क लेवल्स नीचे आ गए ये हुआ क्या कि मोर द सिक्योरिटीज आर बीइंग एडेड द रिस्क लेवल फॉल डाउन लेकिन अगर आप इसको केयरफुली नोट करें कि वो यहां से इस लेवल तक आ गया लेकिन इससे बाद फर्दर नीचे नहीं जा रहा ये इतना जो पार्ट है दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क जो के स्प्रेड करने से डाइवर्सिफाई हो गया जो लोअर पार्ट दिस इज सिस्टमैटिक यानी कि इसने कम नहीं होना यू कैन सी इट्स लाइक ड्रॉइंग पैरल एंड नॉट टचिंग द बॉटम लेवल सो दिस शोज के वी वैन वी आर एडिंग सिक्योरिटीज़ हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क ओवरऑल तो कम हो रहा है लेकिन कौन सा वाला ख़त्म हो रहा है अनसिस्टमैटिक खत्म हो रहा है और सिस्टमैटिक स्टेज देयर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कितनी सिक्योरिटीज़ ऐड की जाएं कि हमारा पोर्टफोलियो में जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो ख़त्म हो जाए अब इसके लिए वी डोंट हैव अ वेरी फिनिट आंसर एक चीज़ होती है एम्पेरिकल एविडेंस एम्पेरिकल एविडेंस कोई रूल नहीं होता कोई थेरी नहीं होती बट ओवर द यर्स जो डेटा कलेक्ट किया होता है उसकी बेस पे एविडेंस बेस्ड जो आउटकम आती है उसको कहते हैं एम्पेरिकल एविडेंस एम्पेरिकल एविडेंस कहता है कि अगर आप थर्टी सिक्योरिटीज एड करें तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो वेल well डाइवर्सिफाइड हो जाता है यानी कि एक बहुत अच्छे लेवल की डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है अनसिस्टमेटिक रिस्क मटीरियली रिड्यूस हो जाता है बट अगेन दीज थर्टी सिक्योरिटीज शुड बी वेरी वेल पिक्ड इसके पीछे भी रिसर्च बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ और मैं तीस के तीस बैंक खरीद लेता हूँ तो वो फिर तो मुझे उतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगी लेकिन मैं कुछ बैंक खरीदता हूँ कुछ ऑयल एंड गैस की कंपनी खरीदता हूँ कुछ टेक्सटाइल का शेयर ले लेता हूँ एक दो सीमेंट ले लेता हूँ दिस वे आई मेक अप आ थर्टी पूल देन माई पोर्टफोलियो कैन बी ईजीली सेट टू बी वेल well डाइवर्सिफाइड और आइडियली अगर मैं इसमें कुछ एसिड क्लास भी ऐड कर लेता हूँ कि कुछ शेयर के साथ कुछ बॉन्ड ले लेता हूँ और कुछ रियल इस्टेट की भी पोर्टफोलियो करता हूँ इस तरह मिला के थर्टी का पूल बनाता हूँ तो दैट विल बी वेरी वेल डाइवर्सिफाइड लेकिन अगेन ये कोई रूल नहीं है ये रिसर्च बेस्ड आउटकम है प्राइसिंग ऑफ रिस्क इफ एन एसिड हैज बोथ सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट विद एनीर विल बी कम्पनसेटिड थ्रू रिटर्न ऑफ बो टाइप्स ऑफ रिस्क अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सिस्टमैटिक भी है अनसिस्टमैटिक भी रिस्क भी है तो एजम्शन ये होनी चाहिए कि हमें उस पर रिटर्न मिलेगा लेकिन फाइनेंस की एजम्पन क्या है कि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं यानी कि पोर्टफोलियो को अच्छा सा डाइवर्सीफाई कर दें तो जो अनसिस्टमेटिक वाला है वो तो रिमूव हो सकता है तो इफ़ समथिंग कैन बी एलिमिनेटेड और रिमूव फिर उसको मार्केट आपको कंपनसेट नहीं करेगी मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहे कि मैं जी ऑफिस आता हूँ गाड़ी पे तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है बहुत श्वेर तो कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी उसकी कंपनसेशन दे इन कंट्रास्ट एक कंपनी का दूसरा एम्प्लॉ है जो कहता है मैं माइंस में काम कर रहा हूं आपकी और मेरे पे रिस्क है कि वहां पे माइंस में कुछ फॉल आउट होता है इशू आता है तो आप मुझे एक्स्ट्रा कंपनसेट करें किसको कंपनसेशन मिलेगी माइन वाले को गाड़ी वाले को या दोनों को यू आर राइट माइन वाले को क्योंकि okay, माइंस वाला जो रिस्क है वो एक ऐसा रिस्क है कि माइंस के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क रह रहा है तो दैट्स मोर लाइक अ सिस्टमैटिक रिस्क गाड़ी में एक बंदा आ रहा है और वो कहता है जी कि मैं बहुत तेज़ चलाता हूँ गाड़ी या मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता इस वजह से मेरा रिस्क लेवल ज़्यादा है तो मुझे कंपनसेट करें तो हम उसको कहेंगे भाई आप सीट बेल्ट लगा लें आप ड्राइविंग लिमिट्स को फॉलो करें सो दैट मीन जो उसके रिस्क हैं वो एवॉडेबल है तो उन पर कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी जो माइन वाला है उसको कंपनसेट करेगी सिमिलरली मार्केट्स विल कम्पनसेट फॉर सिस्टमैटिक रिस्क क्योंकि वो आप एवॉयड नहीं कर सकते थे अनसिस्टमैटिक रिस्क को मार्किट कम्पनसेट नहीं करेगी बिकॉज वो तो अगर आप डाइवर्सीफाई नहीं कर रहे ये आपकी अपनी गलती है तो आप जो खुद काम कर सकते हैं जो रिमूव हो सकता है रिस्क उसके लिए मार्केट आपको कंपनसेट नहीं करेगी This would मिनिमाइज and eventually reduce to zero and non-systematic risk, leaving only the systematic. तो आप जब डाइवर्सिफाई करेंगे तो अभी हमने ग्राफिकली भी देखा है कि जो अनसिस्टमैटिक था वो ग्रेजुअली नीचे हो गया था और ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया था तो वो जब जीरो हो सकता है तो उसके भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी बट वी विल बी कम्पनसेटेड फॉर रिस्क दैट जो कि की डोमेन में नहीं है एंड यू कैन लिव विद डेट

डेमोस्ट्रेट कैन नॉट बी एज्यूम द इन्वेस्टर विल भी कंपनसेटेड फॉर नॉन सिस्टमैटिक डायवर्सिफाइबल यानी कि नॉन रिस्ट वो जो डायवर्सिफाइबल आपका रिस्क है स्पेसिफिक जो रिस्क है वो मार्केट ने कंपनसेट आपको नहीं करना कुछ फॉर टाइम कुछ एग्जाम्पल्स में हो सकता है कि आपको एक्सेस रिटर्न आ जाए बट उसका अगेन रिस्क एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं सो बट मार्केट इज नॉट बाउंड टू रिस्पॉन्ड एंड गिव यू फॉर द अनसिस्टमैटिक रिस्क करेक्ट एक्सम्शन इज दैट नॉन सिस्टमैटिक रेस डाइवर्सिफाइड रेस इज नॉट कम्पनसेटेड फॉर जो ट्रू पिक्चर है वो यही है कि उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना कुछ केसेज में एग्जाम्पल में मिल सकता है बट रूल ऑफ थाम इज यूल बी ओनली कंपनसेटेड फॉर द सिस्टमैटिक रेस देज नो इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड इन गेन फॉर टेकिंग नॉन सिस्टमैटिक रेस इन एन एफिशियंट मार्केट अब ये मार्केट्स की एफिशेंसी लेवल पर भी डिपेंड करता है अगर मार्केट प्रॉपर एफिशियंट है रूल्स फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर उनका है एफिशेंट हाइपाथिस एग्जिस्ट करता है उस केस में यू विल नॉट बी गिवन एनी रिवॉर्ड फॉर टेकिंगसिस्टमैटिक रिस्क हाँ डेवलपिंग मार्केट्स में अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट्स में थोड़ा सा रिवॉर्ड हो सकता है बट अगेन वो भी फाइनेंस की जस्टिफिकेशन उसके अगेंस्ट ही है देर फॉर ओनली सिस्टमेटिक रिस्क इज प्राइस कि जो आपको रिटर्न एक्सपेक्ट होना है वो सिस्टमेटिक की बेस पे होगा इट इज़ कम्पनसेटेड फॉर नॉन सिस्टमैटिक डज नॉट जनरेट क्योंकि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क लेने से आपको कोई थ्रेटिकली रिटर्न नहीं मिलना चाहिए फिर देर फॉर इन्वेस्टर्स इंटरस्ट इस चीज़ इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उनके इंटरेस्ट में यही है कि वो अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करें स्प्रेड करें अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसिड क्लासेज में जाएँ डिफरेंट स्क्रिप्ट में जाएं तो देट अनसिस्टमैटिक रिस्क इज एलिमिनेटेड सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा उसको आपको कंपनसेट भी मिलेगी फिर हम आगे देखेंगे कि इनको फर्दर रैंक किया किस तरह जा सकता है लेकिन आपको जो रिटर्न मिलना है एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न वो सिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट ही मिलना है थैंक यू